नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्येंदु मंडल। मेरा यूट्यूब चैनल सेल्फ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। मैंने ट्रेडिंग स्ट्रेटजी इन लाइव मार्केट दिखाऊंगा, इधर निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस करके और स्टॉक्स एनालिसिस करके। तो ये वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसका नोटिफिकेशन आप लोग को रेगुलर बेसिस पर मिल जाएगा। इसके अलावा मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस करता हूँ, स्टॉक मार्केट न्यूज़ देता हूँ, वो भी आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा मेरा यूट्यूब चैनल पे बहुत सारा चार्ट का स्ट्रेटजीज है, सेटअप्स है, जो आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। मेरा यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर देखें, उसमें आप लोगों को बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। और मेरा ट्रेनिंग मॉड्यूल आप लोग अटेंड कर सकते हैं, आप लोगों को बहुत ही कम कॉस्ट में बहुत सारा चीज़ सिखाया जाएगा। और एंजल ब्रोकिंग, आस्था ट्रेड, एलिस ब्लू, स्टॉक्स में ज्वाइन होने का लिंक मिल जाएगा। इसमें आप लोगों को बहुत ही फ़ायदा है और मेरी तरफ से भी बेनिफिट दिया जाएगा। तो देखिए निफ्टी का मैंने 5 मिनट का चार्ट देखता हूँ। 5 मिनट का चार्ट में पहले तो थोड़ा सा एक अपसाइड में जाने का कोशिश कर रहा है, लेकिन इसका जो आज जो 9 तारीख जो चालू हुआ है, इसके बाद ये हायर हाई हायर लो, ये तो इससे आ ही गया था। उसके बाद हायर हाई हायर लो बना के चल रहा है, ठीक है, सॉरी लोअर हाई लोअर लो बना के चल रहा है। इधर इस चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है और इधर से मेरा जो चार्ट का स्ट्रैटेजीज है, ये अभी तक ये बुली बियरिश सिग्नल ही दिखा रहा है, अभी तक बुली सिग्नल नहीं दिखा रहा है। और ये चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है, इधर से ये चैनल ब्रेक होगा। तो इधर से पहले आरएसआई को भी एक बार देख लेते हैं, 55 आरएसआई चल रहा है। एम ए स्टोकास्टिक थोड़ा सा अपसाइड में है, लेकिन एम ए सी डी और ADX नीचे दिखा रहा है, ठीक है। वॉल्यूम भी इसका बियरिश ही दिखा रहा है। और इधर इसको 15 मिनट का चार्ट में भी देख लेते हैं, 15 मिनट का चार्ट में भी देख लेते हैं ये क्या दिखा रहा है। मल्टीपल टाइम फ्रेम में देख लेना चाहिए, तो तभी जाके इसका ये 15 मिनट का चार्ट में इसका जो RSI दिख रहा है, ये 50 का नीचे दिख रहा है। और इधर से भी ये रेड सिग्नल ही दिख रहा है, मतलब बियरिश दिख रहा है। और 30 मिनट का चार्ट में भी देख लेते हैं, 30 मिनट का चार्ट में भी इसका बियरिश ट्रेंड दिख रहा है, ठीक है। 30 मिनट का चार्ट में भी बियरिश ट्रेंड दिख रहा है। और 1 आवर का चार्ट में वो भी बियरिश दिख रहा है, ठीक है। तो इधर से अब चैनल का डायरेक्शन देख सकता है, ये बियरिश दिख रहा है, ठीक है। और इधर से इसका तो 5 मिनट का चार्ट में देखता हूँ, 5 मिनट का चार्ट में इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखाता हूँ और सप्लाई डिमांड जोन भी दिखेगा। तो इधर से देखिए ये डिमांड जोन है, ठीक है, इधर से इतना दूर तक, मतलब 14856 से 14838 तक एक डिमांड जोन है, ठीक है। और इधर 14829 तक एक्चुअली, ठीक है। और इधर से इसका जो बाई ट्रेड ले सकता है 14882 के ऊपर, ठीक है, 14882 के ऊपर 14902, 14921, 14941, 14941, 14960, 14980, ये सब अपसाइड का लेवल्स हो सकता है। और डाउन साइड में इसका लेने के लिए 14824 ले सकता है। इसके बाद 14804, ठीक है, उसके बाद 14793, इसके बाद 14765, 14731, ये सब नीचे का लेवल्स होगा, ठीक है। 14687 उसका नीचे मार्केट और भी नीचे जाएगा, 14687 के नीचे 14609, ये सब नीचे का लेवल्स दिख रहा है, ठीक है। और बैंक निफ्टी को देख लेता हूँ, बैंक निफ्टी का जो लेवल्स है तो ये क्या है, 14882 और 14824, ठीक है। और इधर से बैंक निफ्टी का जो लेवल्स है वो है 32812 के ऊपर बाई होगा, इसके बाद 32910, 35007, ये सब अपसाइड का लेवल है, 33186, ठीक है। और नीचे का जो लेवल्स है वो है 32617,
बत्तीस 617 का नीचे 5 से 519, 421, 324, 226, ठीक है, 226, ये सब लेवल्स हो सकता है। तो 33,812 और 32,617 ये है बैंक निफ्टी का लेवल्स, ठीक है। अच्छा कुछ स्टॉक्स का देख लेता हूँ, उसके अंदर मारुति को देखता हूँ। मारुति थोड़ा सा अपसाइड में चल रहा है, इसको बाय करने के लिए 6,875 के ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है, 6,875 के ऊपर, 6,894, 6,914, 6,933 ये सब मिल सकता है। और डाउन साइड के लिए इसका 6,916 सॉरी 6,816 इसका नीचे जाएगा तो 6,796, 6,777 ये सब नीचे का लेवल्स हो सकता है। और ICICI बैंक का देखते हैं, ICICI बैंक का 576 के ऊपर, नहीं 576 नहीं 578.515 मतलब 478.50 को बाफर रखना पड़ता है, उसके ऊपर बाई किया जा सकता है 580.105, 582.05, 584 ये सब अपसाइड का लेवल्स है। और डाउन साइड में इसका जाने के लिए 570.30, 570, 568, 566 ये सब नीचे का लेवल्स देख सकता है। तो ये है बैंक निफ्टी का सॉरी मारुति और इसका लेवल। और इधर से HDFC बैंक का देखते हैं, HDFC बैंक 1429 के ऊपर बाई होगा तो 1433, 1437, 1441 जा सकता है। और नीचे का इसका जो लेवल है 1417 इसका नीचे 1414, 1410 ये सब नीचे का लेवल्स इसका हो सकता है। तो ऑब्जर्व करते हैं मार्केट को, इधर से फिर से निफ्टी में चलता हूँ। निफ्टी में थोड़ा सा मतलब साइडवेज मूवमेंट दिख रहा है, थोड़ा सा नहीं पूरा ही साइडवेज मूवमेंट चल रहा है। इधर से इंडिया भी इसको एक बार देख लेते हैं, इंडिया विक्स देख लेते हैं, इंडिया विक्स 20 चल रहा है और नेगेटिव दिख रहा है, ठीक है 20.20। अच्छा और ऑप्शन चेन का कुछ देखूंगा मार्केट में क्या हो सकता है, उसका कुछ अंदाज़ा लगाने का कोशिश करूंगा। इधर से इसका PCR रेशियो किया हुआ है, गिर गया है, ठीक है। और इधर से इसका पुट साइड में कॉल साइड में शॉर्ट बिल्डअप और पुट साइड में भी शॉर्ट बिल्डअप, और 30,14,800 में इसका रेजिस्टेंस और 15,000 में सपोर्ट बना है, ठीक है। और 14,900 का लेवल पे सबसे ज़्यादा एक्टिविटी चल रहा है, ठीक है। और इसका PCR रेशियो गिर गया है, PCR रेशियो गिर गया है सॉरी IV गिर गया है और प्रीमियम गिरा है, और इधर से इसका चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया है। तो इधर सपोर्ट में 14,800 में पुट शॉर्टिंग हो रहा है, वो भी इसका मतलब बढ़ गया है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट और ओपन इंटरेस्ट। तो लेकिन ये 14,800-900 से इसका कम है, ठीक है। तो कॉल पुट दोनों शॉर्ट हो रहा है लेकिन कॉल साइड में शॉर्टिंग ज़्यादा हो रहा है, तो मार्केट को नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी इधर दिख रहा है।
तक देख रहा है मार्केट नीचे का ट्रेंड दिखा रहा है, तो मार्केट थोड़ा सा साइडवेज घूम रहा है। तो इधर से आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं 14,824, 14,882, इधर बैंक निफ्टी 14,32,812 और क्या लेवल लिखा था शायद बैंक निफ्टी ने कुछ तोड़ा है लेवल बैंक निफ्टी का, थोड़ा नहीं है चलती है 714। मैं वीडियो थोड़ा सा पॉज कर लेता हूँ, मार्केट अभी साइडवेज दिख रहा है तो कुछ और एक बाद ही आप लोग को दिखा पाऊँगा, तो कल ये वीडियो पॉज कर ले रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए मार्केट अभी साइडवेज मोमेंटम दिख रहा है, इधर से 882 को थोड़ा सा काट किया है लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, तो इसका एक 5 मिनट का कैंडल जब तक 882 के ऊपर क्लोजिंग ना देता है तब तक हो सकता है 885 894 के ऊपर हो जाए, उसके बाद ही बाई ट्रेड लेना हम लोग को कंसीडर करना है लाइव जब ट्रेड करेंगे। तो अभी भी कुछ सिग्निफिकेंट मूवमेंट दिखा नहीं रहा है, मार्केट साइडवेज ही चल रहा है।